ये है इंडिया की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में 1913 में रिलीज होने वाली 40 मिनट की एक साइलेंट फिल्म थी। इसे बनाने में कुल 6 महीने 27 दिन लगे थे। एंड फन फैक्ट, इस मूवी को तुम कभी नहीं देख सकते हो क्योंकि इसकी जो एक्चुअल रील है वो खो चुकी है। इस फिल्म को बनाया था फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के ने। अप्रैल 1911 में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद फाल्के ने डिसाइड किया कि वो भी कुछ इंडियन लेजेंड्स के ऊपर बनाएंगे। इसी आइडिया को साथ लेकर वो फिल्म मेकिंग सीखने लंदन गए। वापस आते ही फाल्के फिल्म्स कंपनी खोली एंड फाइनली 3 मई 1913 में इस फिल्म को रिलीज कर दिया और ये कहलाई इंडिया सबसे पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म। लेकिन इससे करीब एक साल पहले 18 मई 1912 में श्री पुंडलिक नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसे दादा साहेब तोरने ने बनाया था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि श्री पुंडलिक इंडिया की पहली फिल्म थी, बट ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि ये फिल्म बस रिकॉर्डिंग थी एक पॉपुलर प्ले की। इसे इंडिया में तो बनाया गया था बट इसकी प्रोसेसिंग लंदन में की गई थी। इवन इसका कैमरामैन भी फिरंग था और इसी कारण से ये प्रेस्टीजियस टाइटल दादा साहेब फाल्के उनकी फिल्म को दिया गया।